अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अमीर बलाच केस में बहुत ही अहम अपडेट्स भी आ रही हैं, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। हाई प्रोफाइल केस है इस वक्त ये पाकिस्तान का। मलिक सुहेल और एहसन शाह, ये दो लोग हैं जिनकी पुलिस ने गिरफ्तारी डाली हुई है। इनको अदालत भी पेश किया गया, जिस्मानी रिमांड पुलिस ने एहसन शाह का लिया था इन्वेस्टिगेशन की, फिर उसको जब दोबारा अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने फर्दर रिमांड देने से मना कर दिया और इनको इस एहसन शाह को जुडिशल कर दिया। इसके बाद मलिक सुहेल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब इसका फिजिकल रिमांड था पुलिस के पास, तो इसने एक शख्स का नाम लिया। इसने कहा इस सारी प्लानिंग में तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, एहसन शाह, मलिक सुहेल, ये सारे तो शामिल थे ही, वो मुजफ्फर कातिल जो था वो भी शूटर, लेकिन इसके साथ साथ एक और शख्स भी सारी प्लानिंग में शामिल था जिसका नाम हारून है। बताया ये जा रहा है कि इस शख्स हारून को भी शायद गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ ये कि मलिक सुहेल को पुलिस ने दोबारा अदालत में पेश किया। पुलिस ने जब अदालत में मलिक सुहेल को पेश किया तो पुलिस ने फर्दर रिमांड की इस्तदा की। 9 रोज़ का इनके पास रिमांड था पड़ा इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की, लेकिन अदालत ने मज़ीद रिमांड देने से मना कर दिया। 14 दिन का रिमांड होता है, 9 रोज़ का इनको मिल चुका था। पुलिस ने 5 रोज़ का मज़ीद रिमांड की इस्तदा की, लेकिन अदालत ने ये कह के मना किया कि कोई ख़ास खातिर प्रोग्रेस पुलिस ने शो नहीं की और ये कहा कि इस वक्त मलिक सुहेल को जुडिशल कर दिया गया है। इसके साथ साथ मज़ीद ये कि नाज़रीन, तीफी भट्ट के हवाले से मैं आपको बताते चलूँ, ये खबर आई थी कि वो दुबई में इस वक्त नहीं है बल्कि इंग्लैंड चला गया है, तो ये काफ़ी हद तक खबर बिल्कुल ठीक है। वो इस वक्त दुबई में मौजूद नहीं है, इंग्लैंड इस वक्त जा चुका है। अब ये देखना बाकी कि पुलिस इस हवाले से क्या करती है। दूसरी एक और खबर ये चली कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को, मतलब कि इश्तिहारी मुलजिमान। लेकिन अदालत, ये सच्चाई इसमें यह कि अदालत ने इस वक्त कोई इनको इश्तिहारी मुलजिमान डिक्लेयर नहीं किया, ये पुलिस ने किया है। वो एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, पहले बेलेबल ऑफेंस मतलब काबिल ज़मानत, फिर नाकाबिल ज़मानत और फिर नोटिस, उसके बाद जाके फिर पुलिस इश्तिहारी मुलजिम डिक्लेयर करती है। लेकिन यहाँ पे ये खबर एक फेक खबर चलाई गई। इसके साथ साथ ये कि एहसन शाह की और उसकी एक दोस्त की वीडियोज़ कुछ वायरल हुई थी, जिसका नाम असल नाम नहीं मालूम, लेकिन टिकटॉक पर जो उसकी आईडी है वो एंजल के नाम से है। अब बताया ये गया कि एहसन शाह से 2017 में इसकी एक दोस्त ने ही इसकी मुलाकात करवाई थी एंजल की, और ये खातून से इसकी दोस्ती हुई थी और इसके काफ़ी अच्छे और करीबी ताल्लुकात थे इसके साथ, एंजल के साथ, और ये पार्टीज़ में भी जाती थी, मॉडलिंग भी करती थी, दूसरों की भी पार्टीज़ में अक्सर इन होती थी ये। तो इस वक्त ये अहम अपडेट्स हैं इस वक्त, और एहसन शाह जुडिशल हो चुका है, पुलिस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। मलिक सुहेल ने एक और किरदार भी इसमें ऐड कर दिया है, हारून नामी शख्स का, और पुलिस इसको भी गिरफ्तार कर चुकी है। देखना ये कि इसका इसमें कितना किरदार था। और चीज़ मैं आपको बताते चलूँ तो हारून नामी शख्स जो था, इसको अरेस्ट किया गया तो इसको अदालत पेश किया गया। अदालत पेशी पे ये कहा गया कि हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन प्रिंट मतलब इसकी शिनाख्त करवानी है, उसको जेल में पेश करना है, इसकी शिनाख्त करवानी है। तो अदालत ने इसकी इजाज़त दी और कहा कि 3 अप्रैल तक ये सब प्रोसेस मुकम्मल करके दोबारा अदालत में पेश किया जाए। मैंने आपको बारह बताया कि एहसन शाह को सिर्फ 5 करोड़ की डील नहीं दी गई थी, बल्कि इसको ये भी बताया गया, ये भी कहा गया कि इसको अहम ओहदे दिलवाए जाएंगे, अहम मरातें दी जाएंगी, एमपीए का ओहदा दिलवाया जाएगा। उसके बाद इसने ये सारी अपने दोस्त के साथ ये जुल्म किया और ये प्लानिंग की। अदालत ने पुलिस को हिदायत की कि वो चलान भी इस हवाले से जमा करवाएं और जो इन्वेस्टिगेशन, अब देखना ये, खैर ये मामला जो है ईद तक पेंडिंग हो चुका है, ईद के बाद इसमें मज़ीद कुछ अपडेट्स आएंगी। आपकी सवाल से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इजहार किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।